नमस्कार दोस्तों, जब मेरे पेशेंट्स का पीएसए हाई आता है, यानी कि पीएसए 4 से ज्यादा, तो मैं उनको बोलता हूं कि आपको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है और आपको बायोप्सी करानी चाहिए। तो सबसे पहली चीज वो कहते हैं कि सर, मेरे को तो कोई सिम्टम ही नहीं है, तो मेरे को प्रोस्टेट कैंसर कैसे हो सकता है? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अर्ली स्टेजेस में प्रोस्टेट कैंसर के कोई सिम्टम नहीं होते, सिर्फ हाई पीएसए होता है। जब तक प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स बनते हैं, तब तक कैंसर बहुत एडवांस हो चुका होता है और उस टाइम तक हो सकता है ट्रीटमेंट भी पॉसिबल ना हो। तो अगर आपका सिर्फ पीएसए हाई है और कोई सिम्टम नहीं है, तो आपको इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए और डेफिनेटली प्रोस्टेट बायोप्सी करानी चाहिए। प्रोस्टेट बायोप्सी से हमारे को पता चलेगा कि आपको प्रोस्टेट कैंसर है भी कि नहीं, अगर प्रोस्टेट कैंसर है तो कौन सी स्टेज पे है और उसका आगे क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर आशीष सबरवाल, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और रोबोटिक प्रोस्टेट सर्जन, न्यू दिल्ली इंडिया से बोल रहा हूँ और आज मैं आपको प्रोस्टेट बायोप्सी के बारे में फुल डिटेल्स दूंगा। प्रोस्टेट बायोप्सी में क्या प्रिपरेशन करनी होती है, प्रोस्टेट बायोप्सी के टाइम पे क्या होता है और प्रोस्टेट बायोप्सी के बाद क्या प्रिकॉशंस करनी पड़ती हैं। सबसे पहले प्रोस्टेट बायोप्सी से पहले क्या प्रिपरेशन करनी होती है। सबसे पहली चीज, आपको कोई यूरिन में इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। मैं अपने पेशेंट्स को बायोप्सी से 2 दिन पहले से एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देता हूँ ताकि कोई एक्टिव इन्फेक्शन ना हो, और एडमिशन के दिन भी एक इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक देते हैं ताकि प्रोस्टेट बायोप्सी के बाद इन्फेक्शन ना हो। दूसरी चीज, पेशेंट का बाउल खाली होना चाहिए। बायोप्सी से 1 रात पहले हम लोग लैक्सिटिव देके पेशेंट को बोलते हैं कि मोशन करके हॉस्पिटल आए ताकि बायोप्सी के टाइम पे पेट खाली हो। अगर किसी पेशेंट को पाइल्स या फिशर है जिसकी वजह से अल्ट्रासाउंड प्रोब डालने में पेन होगी, तो उसको इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करने के बाद ही बायोप्सी के लिए आना चाहिए। एक्टिव फिशर या एक्टिव पाइल्स के टाइम पे बायोप्सी नहीं कर सकते। तीसरी चीज, अगर उनको कोई हार्ट कंडीशन है और उनको खून पतला करने दवाई चल रही है, जैसे कि इकोस्पिलिन या क्लोपिडोग्रेल, ये दवाइयाँ 3 से 5 दिन पहले बंद करनी चाहिए, उसके बाद ही प्रोस्टेट बायोप्सी करनी चाहिए। अगली बात कि प्रोस्टेट बायोप्सी का प्रोसीजर क्या है। देखिए, प्रोस्टेट बायोप्सी एक काफी सिंपल प्रोसीजर है और सेफ प्रोसीजर है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। पेशेंट प्रोस्टेट बायोप्सी के दिन ही सुबह नाश्ता करके हॉस्पिटल आते हैं। प्रोस्टेट बायोप्सी के लिए खाली पेट की कोई जरूरत नहीं है। जब वो आते हैं, उनको डे केयर में एडमिट करते हैं और उसके बाद प्रोस्टेट बायोप्सी के लेके जाते हैं। टोटल प्रोसीजर हॉस्पिटल के अंदर 2 से 4 घंटे का ही है, इससे ज्यादा नहीं है, और बायोप्सी करने में 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। सबसे पहले पेशेंट को बायोप्सी में ले जाके एक बेड पे फीटल पोजिशन में लिटाते हैं। देखिए फीटल पोजिशन कैसे लगती है। इस पोजिशन में ही हम लोग अल्ट्रासाउंड प्रोब डाल के पेशेंट की प्रोस्टेट बायोप्सी करते हैं। जब लैटेंट के टाइम अल्ट्रासाउंड प्रोब डालते हैं, उससे पेन नहीं होती है, उससे सिर्फ एक प्रेशर फीलिंग होती है, जैसे कि आपको लैटेंट आने के टाइम पे थोड़ा प्रेशर फील होता है, कोई ज्यादा पेन नहीं होती। अल्ट्रासाउंड प्रोब डालने से पहले हम लोग एक लोकल एनेस्थेटिक भी देते हैं ताकि बिल्कुल पेन फील ना हो। फिर अल्ट्रासाउंड से हम प्रोस्टेट को देख के ये वाली बायोप्सी गन यूज करके प्रोस्टेट के 12 पीस लेते हैं। देखिए, बायोप्सी के टाइम भी ज्यादा पेन नहीं होती, इससे भी सिर्फ प्रेशर फीलिंग होती है, और उसके अलावा जब बायोप्सी गन क्लिक करती है ऐसे करके, तो ये वाली आवाज आएगी। आवाज ज्यादा आती है, लेकिन देखिए ये वाली आवाज ज्यादा आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतनी पेन होती है, सिर्फ ये आवाज आएगी और प्रेशर फीलिंग होगी। टोटल 12 कोड लेने में 10 से 15 मिनट नहीं लगते, और उसके बाद फिर से हम लोग पेशेंट को बायोप्सी के बाद वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। वार्ड में एक बार पेशेंट यूरिन कर ले, उसके बाद अपने घर जा सकता है। बायोप्सी रिपोर्ट 3 से 5 दिन लगते हैं आने में, और उसके बाद हमारे को पता चलेगा उस बायोप्सी रिपोर्ट में कि प्रोस्टेट में कैंसर है कि नहीं है। अगर प्रोस्टेट में कैंसर है तो कौन सी स्टेज पे है, उसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। प्रोस्टेट बायोप्सी के बाद जब हम घर जाते हैं, तो उस टाइम पे कुछ प्रिकॉशंस लेनी होती हैं। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। प्रोस्टेट बायोप्सी के बाद 3 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पहली ब्लीडिंग, दूसरा इन्फेक्शन और तीसरा यूरिन में ब्लॉकेज। देखिए, प्रोस्टेट बायोप्सी में हम लोग रेक्टम के थ्रू प्रोस्टेट के अंदर जाके उनके 12 पीस लेते हैं, तो इसलिए प्रोस्टेट बायोप्सी के बाद थोड़ा यूरिन में या स्टूल में या सीमन में ब्लड आना नॉर्मल है, उसमें घबराने की बात नहीं है। ज्यादा पानी पीने से और एंटीबायोटिक लेने से ये 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। कभी कभी ये थोड़ा बहुत ब्लड 1 महीने तक भी चलता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ रेयर केसेस में ज्यादा ब्लीडिंग होती है, मतलब कि ब्राइट रेड ब्लड आता है या क्लॉट्स आते हैं या डार्क ब्रेड ब्लड आता है, तो अगर ऐसे ज्यादा ब्लड आ रहा है, आपको लग रहा है कि प्रोस्टेट बायोप्सी का ज्यादा ब्लड आ रहा है, तो आप इसको इग्नोर मत करिए और अपने डॉक्टर को इमिजिएटली कॉन्टैक्ट करिए। दूसरी चीज, क्योंकि प्रोस्टेट बायोप्सी में हम लोग
रेक्टम के थ्रू प्रोस्टेट में जाते हैं तो इन्फेक्शन होने का डर होता है। माइल्ड इन्फेक्शन कॉमन है, माइल्ड फीवर कॉमन है, उसके लिए हम पेन किलर देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, बुखार के लिए दवाई देते हैं। माइल्ड फीवर मतलब कि 100 से कम, लेकिन 2-4% पेशेंट्स को सिवियर इन्फेक्शन होती है, मतलब कि हाई फीवर 100 से ज़्यादा, उसके साथ चिल्स और राइगर। अगर ये सब कंडीशन हुए तो पेशेंट को हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ सकता है, और हॉस्पिटल में एडमिट होकर IV एंटीबायोटिक्स देते हैं जिससे कि ये फीवर कंट्रोल रहे। और अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं कि हाई फीवर विद चिल्स एंड राइगर, तो अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करिए और इस चीज़ को इग्नोर मत करिए। तीसरी चीज, यूरिन में ब्लॉकेज। यूरिन में ब्लॉकेज इसलिए होती है क्योंकि अगर पेशेंट का पहले से ही प्रोस्टेट का साइज काफी बड़ा है और उसके बाद हम प्रोस्टेट में बायोप्सी करते हैं, प्रोस्टेट को हैंडल करते हैं, तो उसकी वजह से प्रोस्टेट में स्वेलिंग हो जाती है और यूरिन ब्लॉक हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग कैथेटर डाल देते हैं ताकि यूरिन फास्ट हो जाए, और साथ में दवाइयां देते हैं जिससे कि वो श्रिंकेज कम हो, प्रोस्टेट की स्वेलिंग कम हो। 3-5 दिन में जो प्रोस्टेट बायोप्सी की वजह से स्वेलिंग थी वो कम हो जाती है, और उसके बाद हम कैथेटर निकाल सकते हैं और फिर पेशेंट का यूरिन जैसे पहले हो रहा था वैसे ही होएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये मेरा प्रोस्टेट बायोप्सी के इन्फॉर्मेशन के बारे में वीडियो पसंद आया। अगर आप प्रोस्टेट बायोप्सी कहीं और करा रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और अगर आप मेरे से प्रोस्टेट बायोप्सी कराना चाहते हैं तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। धन्यवाद।